नमस्कार दोस्तों, वर्सेटाइल एडुकेशन स्टील के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले 12th स्टैंडर्ड के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के नए सिलेबस के बारे में। उसके पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारे बुक के पहले चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारे बुक का पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में फ्यूचर्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट के फ्यूचर्स के बारे में बताया गया है। उसी के साथ हेनरी फेयल, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है, उनके 14 प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ऐसे 14 प्रिंसिपल के बारे में इस चैप्टर में इन डेप्थ आपको बताया गया है। इसी के साथ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी इस चैप्टर में बताई गई है, उसके टेक्निक के बारे में बताया गया है। ऐसा बहुत कुछ इस चैप्टर में आपको मैनेजमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बताई गई है। हमारा सेकेंड चैप्टर है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, इस तरह की फंक्शंस के बारे में अच्छे से बताया गया है। जैसे कि प्लानिंग छोटी कंपनी से लेकर बड़ी कंपनी जैसे कि टाटा बिरला जैसे कंपनीज में भी प्लानिंग का यूज होता है। मैनेजमेंट पूरा प्लानिंग के ऊपर बेस है, ज़्यादातर बेस प्लानिंग के ऊपर है। इस तरह की पूरी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में बताया गया है। इन फंक्शंस के बारे में अच्छे से डिटेल में डेफिनेशन, उसी के साथ इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी इस चैप्टर में आपको बताने की कोशिश की गई है। हमारा थर्ड चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इस चैप्टर में क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्या क्या क्वालिटीज रहती है, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसी के साथ फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स प्रोग्राम अरेंज करती है, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, एग्रो टूरिज्म, एंटरप्रेन्योर बढ़ाने के लिए क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, इसके बारे में भी इस चैप्टर में अच्छे से बताया गया है। हमारा फोर्थ चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज। इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है, जैसे कि वेयर हाउस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, इन सभी सर्विसेज के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बैंकिंग सेक्टर में देखें तो टाइप्स ऑफ बैंक क्या होती है, जैसे कि सेंट्रल बैंक, मतलब अकाउंट कौन से तरह के रहते हैं, जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इस तरह की हर एक अकाउंट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उसी के साथ न्यू मोड्स ऑफ बैंकिंग, ATM क्या है, बैंकिंग क्या है, उसके बारे में भी इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है। हमारा फिफ्थ चैप्टर है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर में फोकस ऑफ ई बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी कंपनीज के ऊपर के बारे में भी चैप्टर में बताया गया है। स्कोप ऑफ ई बिजनेस के बारे में बताया गया है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किस तरह होता है उसके बारे में भी चैप्टर में बताया गया है। और उसी के साथ बेनिफिट्स क्या है ई बिजनेस के कौन से बेनिफिट्स है, इसके बारे में भी इस चैप्टर में अच्छे से बताया गया है। आउटसोर्सिंग मतलब कंपनीज एम्प्लॉयज आउटसोर्सिंग करती है, उसी के बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया है। हमारा सिक्स चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर में कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टोवर्ड ए डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, टोवर्ड ओनर्स, टोवर्ड इन्वेस्टर, टोवर्ड एम्प्लॉयज, टोवर्ड कंज्यूमर, टोवर्ड गवर्नमेंट, टोवर्ड कम्युनिटी और सोसाइटी, इनके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उसी के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टोवर्ड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इसके बारे में भी आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे CSR भी कहा जाता है, उसके बारे में भी इस चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। हमारा सेवन चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इस चैप्टर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में
एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसी के साथ राइट्स ऑफ कंज्यूमर के, मतलब कंज्यूमर के कौन से राइट्स हैं, कंज्यूमर की कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, नीड एंड इम्पोर्टेंस कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर प्रोडक्शन के बारे में बताया है गए हैं, वे एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन, वे क्या है, मतलब कौन से एक्ट है, कौन से लॉ आपके लिए चलते हैं, कंज्यूमर के लिए चलते हैं, उसके बारे में बताया गया है। हमारा 8th चैप्टर है मार्केटिंग। मार्केटिंग एक ह्यूज कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का MBA के लेवल के लिए सिखाया जाता है आपको, इसे शुरुआती से बताया गया है आपके शुरुआती लेवल में ही, कंसेप्ट ऑफ मार्केट नॉट अ मार्केटिंग, मार्केट के बारे में पहले आपको बताया गया है, उसी के साथ टाइप्स ऑफ मार्केट, उसके बाद फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, और उसी के बाद इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग के बारे में बताया गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में बताया गया है मार्केटिंग मिक्स, इसमें 4 P's आते हैं। तो कौन से 4 P's हैं वो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इन 4 P's के ऊपर भी इस चैप्टर में बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। देखो दोस्तों, OCA सब्जेक्ट सिर्फ स्टडी के लिए नहीं है, सिर्फ अच्छे मार्क के लिए नहीं है, आपके करियर डेवलपमेंट के लिए भी ये जो पूरा पोर्शन है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैनेजमेंट के बारे में, प्लानिंग के बारे में, कंज्यूमर प्रोडक्शन के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, इसलिए ये स्टडी बहुत अच्छे से करिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।